everyone, a very warm welcome to Navdha's Kitchen. आज हम बनाएंगे एक बहुत ही हेल्दी एंड डिलिशियस वर्जन ऑफ अ केक विच इज अ होल व्हीट जैगरी वॉलनट केक. हम जो भी केक्स बनाते हैं हम उसके अंदर मैदा एंड चीनी यूज करते हैं, बट आज हम जो केक बनाएंगे उसका बहुत ही हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस वर्जन है जिसमें हम होल व्हीट आटा यूज करेंगे, जो हमारा गेहूं का आटा है जिसके हम घर में चपाती बनाते हैं वो, प्लस गुड़, उसको मिलाकर हम अपना केक बनाएंगे विद वॉलनट्स. वॉलनट्स आर ऑप्शनल, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें, बट अल्टीमेटली द टेस्ट इज गोइंग टू बी ऑसम, अमेजिंग एंड डिलिशियस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, टू बिगिन विद, सबसे पहला हमारा स्टेप होगा हम अपनी कढ़ाई को प्री हीट करेंगे. ये मैंने कढ़ाई ली है और ये मैं उसमें वो सॉल्ट डाल दे रही हूं. मैं हर बार यही सॉल्ट यूज करती हूँ. इसमें ये स्टैंड प्लेस कर दूंगी, उसको लो मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने रख देते हैं. अब हम अपना केक टिन प्रिपेयर करते हैं. अब इसमें हम सबसे पहले थोड़ा ऑयल ब्रश करेंगे और फिर इसको मैदा से सारी साइड से डस्ट कर लेंगे. इट्स डन. अब ये जो एक्स्ट्रा मैदा है हम इसको हटा देंगे. अब ये सबसे पहले हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं. ये मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है और उसमें मैंने बटर डाला है. अमूल बटर है, ये सॉल्टेड बटर है इसलिए हम सॉल्ट यूज नहीं करेंगे. सॉफ्ट है एट रूम टेम्परेचर. अब हम इसमें ऑयल मिक्स करके इसको विस्क करेंगे. अब ये बटर में गया हमारा ऑयल. मैं सारी मेजरमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे टाइटल्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा सब मेजरमेंट कब से है. नाउ वी विल विस्क इट नाइसली. अब हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे, गुड़ या शक्कर कुछ भी यूज कर लीजिए. अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये होमोजेनियस मिक्सचर ना हो जाए. ये हमारा पूरा मिक्सचर रेडी हो गया, इसका एक ये पेस्ट सा बन गया. अब हम आते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स पे. एक और मैंने बोल लिया है. अब इसमें हम अपना आटा शिफ्ट करेंगे. दिस इज होल व्हीट आटा, होल व्हीट आटा. इसके साथ ये हमारा बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा. सॉल्ट हमने नहीं लिया है क्योंकि हमारा ऑलरेडी सॉल्टेड है बटर. और ये मिल्क पाउडर, दिस इज टोटली ऑप्शनल. अब हम इन सबको एक साथ शिफ्ट कर लेंगे. नाउ वील ड्राई मिक्स आर इंग्रेडिएंट्स नाइसली. अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे. एक बार फिर से इनको सिफ्ट कर लेंगे. एक बार फिर से सिफ्ट करने से हमारा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स हो जाएगा. अब हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे. रूम टेम्परेचर पे है ये मिल्क, बॉईल करके ठंडा किया हुआ रूम टेम्परेचर पे. हमारा बैटर रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी. अब हम इसमें अपने थोड़े से चॉप्ड वॉलनट्स मिक्स कर देंगे, थोड़े से आई विल रिजर्व मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए. हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है, हमें 10 मिनट्स हो गए हैं. अब हमारा है लास्ट स्टेप. लास्ट स्टेप इज टू एड 1 टीस्पून ऑफ व्हाइट विनेगर. ये हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे. बस ओवर मिक्स नहीं करना है बैटर को. इट्स रेडी. अब हम इसे अपने केक टिन में ट्रांसफर कर देंगे. आज का ये हमारा बहुत ही हेल्दी केक है. को थोड़ा सा हम टैप कर लेंगे फ्यू टाइम्स, जो हमारे बचे हुए वॉलनट्स थे उससे इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे. नाउ इट्स टाइम कि अब हम इसको अपनी प्रीहीटेड कढ़ाई में रख दें. हमारी कढ़ाई अच्छी हीट हो चुकी है. हियर इट गोज कवर्ड.
वी विल नॉट ओपन इट बिफोर 30 मिनट्स, ओके? अदरवाइज आपका केक सिंक कर सकता है. अब 30 मिनट्स बाद इसको चेक करेंगे, देन आई विल शो इट टू यू. सी यू आफ्टर 30 मिनट्स. ऑलराइट फ्रेंड्स, मैंने 30 मिनट्स बाद चेक करा था, इट वॉज नॉट डन. अब 40 मिनट्स हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं. यस, इट्स डन. सी, बिल्कुल क्लीन है. आई विल अलाउ दिस टू कूल डाउन फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर डी मोल्डिंग इट. इसको थोड़ी देर, 10-15 मिनट पहले इसके अंदर टिन में ही थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तब इसे डीमोल्ड करेंगे. अब मैं इसको डीमोल्ड कर लेती हूँ. केक ने ऑलरेडी साइड्स छोड़ दिए तो इसलिए मुझे नाइफ रन करने की जरूरत नहीं है. वाओ, लुक एट इट, वेरी सॉफ्ट. इट हैज कम आउट सो नाइसली. सी, बहुत अच्छा बेक हुआ है, बहुत ही स्पंजी केक है ये. सो हियर इट गोज. अब ये वायर रैक पे थोड़ा कूल डाउन हो जाए, उसके बाद मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ. सो फ्रेंड्स, नाउ द केक हैज कूल डाउन, तो अब हम इसे काट के देखते हैं. लुक एट द टेक्सचर ऑफ द केक, ये बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है. ये देखिए. सो आई होप आप सबको ये हेल्दी केक की रेसिपी अच्छी लगेगी. अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में बताएं. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नवधास किचन फॉर हैप्पी कुकिंग विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर गुड, हेल्दी एंड अमेजिंग रेसिपी. बाय बाय.